Another day of making video और आज हमने शेव और एक हेयर कट करवाया है. So, हाँ, looking better than yesterday. But भाई फिर से एक और वीडियो बना रहा हूँ और कोई देखेगा नहीं. मतलब यार अब मैं वो यार कैसे बताऊँ कि डेली डालने में मजा आता है बट देखा देखा नहीं तो कोई मजा भी नहीं आ रहा भाई. ठीक है भाई, वो गिव्स अ फक भाई. बैक वर्कआउट है आज, ठीक है. हाँ, सो आज के बैक वर्कआउट में दो रोइंग मूवमेंट करूंगा मैं और एक लैट के लिए. क्या बोलू भाई, देख तो कोई रहा नहीं रहा है भाई. बैक वर्कआउट में आज मैं लेग्स मारूंगा, लो सीख लो. सही है भाई, सही है. और वैसे भी भाई देखो, मेरे इतने ज्यादा व्यूज आते हैं, मैं ऐसे कुछ बोलूंगा तो फिर भाई टेंशन हो जाएगी, समझ रहे हो भाई. हो तो ज्यादा कुछ नहीं, दो रोइंग मूवमेंट करेंगे. अभी रोइंग मूवमेंट मैंने सोची नहीं कौन सी करूंगा, अभी भी कंफ्यूज हूँ कौन सी करनी है. और एक लैट पुल डाउन, तो हाँ लेट्स गो हिट सम बैक. ओ रियर डेल्ट भी आ जाओ, अभी आ गया रियर डेल्ट भी ट्रेन करने यार. भाई आज का मामला लंबा है, मैं तो भूल गया था. ट्रैप्स रियर डेल्ट बैक. अरे भाई जिम जाओ, खाना बढ़िया खा लिया मैंने. बस एक चीज थोड़ा सा मुझे रिग्रेट हो रहा है, टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं इसको भी खत्म कर चुका होता. थोड़ा सा तो खा ही दूं, 200 ग्राम थे, 150 तो बच ही रहे होंगे. So, हाँ, आज का दो सेट मैंने वहां ले लिया है, रियर डेल्ट पहले हम शुरू करने वाले हैं. तो मैं सारा फोकस ये करता हूँ कि ज्यादा अपनी एल्बो को ना मोड़ू, बट जितना कम शोल्डर पे डिस्कम्फर्ट है उतना बढ़िया. मेरे कोलर बोन पे थोड़ा सा पेन रहता है, बट बहुत टाइम से मैं पेन फ्री इस मूवमेंट को कर पा रहा हूँ जो कि मैं पहले नहीं कर पा रहा था. तो मैं एक चीज सीखी है कि बिल्कुल पीछे जाने की नीड नहीं है, वो थोड़ी बेवकूफी है जो मैं कर रहा था बहुत टाइम से. बट एक पॉइंट तक जाना है फिर वापस आ जाओ, जो कि करते टाइम लगता है कि हाँ हम इतना पीछे नहीं जा रहे, बट वी आर ट्रेनिंग आर रियर डेल्ट. तुम अभी देखना वीडियो में आई एम गोइंग फुल बैकवर्ड्स, पूरे हाथ जा रहे, बट मेंटली मुझे लगता है कि यार हिट करते ही मैं वापस जा रहा हूँ आगे. तो हाँ ये चीज बढ़िया है, तो इसके 10 या 12 रेप लूंगा. So, ये लास्ट सेट है इस वाले रियर डेल्ट की पहली एक्सरसाइज का. आज मैं दो एक्सरसाइज दूंगा रियर डेल्ट की, पहली ये होने वाली है. एंड ऑनेस्टली भाई मैं 100 kg के मार्क के आसपास आ रहा हूँ इसमें भी. मैं अपने आप को ना ज्यादा जर्क लेके नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता कि हल्का से भी मेरे कंधे में दर्द हो. तो भाई बहुत आराम आराम से आई एम ट्रेनिंग रियर डेल्ट्स और बढ़िया मैं स्ट्रेंथ खुद ही बढ़ते जा रही है इसमें. तो मेन सेट हमारा लास्ट सेट मान लो 85 है, और एक सेट ड्रॉप लूंगा और उसके बाद हम सीधा वेंट ओवर रो करेंगे. बहुत टाइम से नहीं करी, एंड वी कैन डू दैट टुडे. वेंट ओवर रो के भी मैं 3 सेट लूंगा और तुम्हें 3 सेट मेन सेट ही दिखाऊंगा एक क्लिप में कट 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 करके. तो हाँ ये खत्म करते हैं और वेंट ओवर करते हैं. पता नहीं मैं ऐसे मेन सेट कहूँ या ना कहूँ, बट आज का पहला सेट है 80 के, 10 रेप हुआ, बहुत टाइम से मैंने करा नहीं, बाकी देखते हैं कैसा होता है. So, हाँ, भाई इसमें ना रेंज ऑफ मोशन बहुत कम है, बट मैं करके देख रहा हूँ क्योंकि मैंने कसम से आज तक करी नहीं है, तो करने में चाहिए, करनी भी चाहिए. तो ये है चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोइंग, देखते कैसा आता है भाई. सांस बहुत फूलती है इसमें, एंजॉय करते हैं.
सुहा अपनी ओजी मशीन पे ठीक है, वो एडजस्टेबल डंबल रिंग करके ना कंधे में अलग दर्द हो गया मेरे, बेकार है वो, आगे से नहीं करने वाला मैं तो। इसी के हम 5 या 6 सेट लेंगे, फिर लैट पुल डाउन करके आज का बैक वर्कआउट खत्म करना है। बट उसके बीच में अभी रोप पुल डाउन या पुल ओवर्स और एक शख्स की मूवमेंट रह रही है। तो हाँ, आज का लेस सेट है 105, फिर ड्रॉप लेके लूंगा 85 और 65, जितने रह पाएंगे ठीक है। फिर लैट पुल डाउन करके मैं साइड एक्सरसाइजेस करूंगा तो उस पर ध्यान देंगे। और मैं इसमें ना यही वाली ग्रिप ले रहा हूँ आजकल, इससे मुझे मजा भी आ रहा है और इजी भी लगता है। थोड़ा सा मैं बोर हो रहा हूँ अभी, गाना सुनने में भी मजा नहीं आ रहा आज, क्योंकि मैं आजकल हैवी नहीं गा रहा ना, तो मुझे एड्रेनलिन हाई नहीं मिल रहा और ये सब। बट ठीक है, वी हैव टू डू दिस ऑल्सो भाई, जरूरी तो ये भी है। देखो तुम जब भी ये सब करो ना, फोकस कराओ करो कि तुम्हारा ध्यान जिम एक्सरसाइज करने पे है, बातें बातें करने पे कम ध्यान दिया। इवन राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, बट फोकस करते हैं। भाई आज का सेकेंड सेट है लैट पुल डाउन का 117 और ट्राई करूंगा कि 6 से 8 रेप है। बट मेरे को आज अपने हाथ बहुत लंबे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। आज का बैक वर्कआउट बढ़िया हुआ भाई, ऑनेस्टली अगर मैं देखा जाए तो 2 एक्सरसाइज रोइंग की करी है और 1 लैट की। लैट्स की मैं ज्यादा सेट लेने मेरा मन भी नहीं था, बट हमने अभी तक उसके बाद साइड एक्सरसाइज में रियर डेल्स खत्म कर दिए, अब बस ट्रैप्स रहने को मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो आज का बैक हम देखते हैं भाई। दिखता भी नहीं से। यही तुम नील बना देंगे आज। घर जाके बात कर दें। तो हाँ, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वी हैव टू टॉक अबाउट समथिंग कि भाई ये बल्क कब तक चलेगा। इट्स गोइंग टू बी फॉर लाइक 2-3 मंथ्स मोर, बट द थिंग इज कि आई डोंट फाइंड एनीथिंग यूजफुल अपलोडिंग डेली राइट नाउ, बिकॉज कंसिस्टेंट हूँ, कंटेंट अच्छा खासा आ रहा है, जिसे कहते हैं ना
क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, तो मुझे लग रहा है वही हो रहा है कि क्वांटिटी बहुत है बट क्वालिटी नहीं है. एंड आई फील लाइक कि मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस में क्वालिटी बहुत तगड़ी रहती थी, एंड आई एम मेड फॉर दैट. किसी की चीज़ कॉपी करके मेरा धंधा नहीं चलने वाला. सो हाँ, थोड़े टाइम और एंड वी विल स्टॉप अपलोडिंग एवरी डे एंड वी विल गो बैक टू अपलोडिंग समथिंग नाइस क्वालिटी वाइज. हफ्ते में 2 या 3 वीडियोज बट दे विल बी वॉर्थ इट टू वॉच, जिसे कहते हैं ना मज़ेदार तगड़ी वीडियोज, जो मेरा मतलब मुझे पता है आई कैन मेक दोज वीडियोज. सो हाँ, उसी पर ध्यान देते हैं. इन्फॉर्मेशन में वीडियोज आते रहेंगे. मतलब अभी ऐसे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी खत्म कर रहा हूँ ये चीजें. नहीं, वी आर गोना मेक सम डेज, प्रोबेबली 1 हफ्ता और ट्रिप के बाद, फिर देखते हैं.